सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि इस्लाम का शांति है तो क्या जो काफिर हैं उनके लिए वहाँ पर कोई शांति का संदेश है? देखिए, यदि आप काफिर हैं तो इस्लाम में आपके लिए संदेश यह है कि आपको जहां पाया जाए वहीं पीटा जाए और मारा जाए और आपको कत्ल कर दिया जाए और आपकी संपत्ति लूट ली जाए, आपकी पत्नी को छीन लिया जाए और उसको लौंडी बना लिया जाए या उससे विवाह कर लिया जाए, आपके बच्चे को जबरदस्ती जो है मुसलमान बना दिया जाए। इसे अगर आप शांति समझते हैं तो ये है ये जो कुछ भी है अन्य के लिए तो कुछ शांति का वहां मतलब नहीं है। अन्य के लिए क्या वहां पर उनके लिए भी शांति का मतलब नहीं है? ये शांति सिर्फ नाम है, शांति कहीं नहीं है वहां। वो तो शांति की परिभाषा भी नहीं जानते, वे तो अपने बच्चों को, पिता है तो पुत्र को, पुत्र है तो पिता को, पुत्र है तो माता को, माता है तो पुत्र को, अपने संबंधियों में, मित्रों में, भाई बहनों में, भाइयों में, इन सबके मध्य भी वहाँ पर फूट डाली गई है और उनको भी कहा गया है कि इनको भी मारो, इनका भी कत्ल कर दो, इनको भी छोड़ दो। अगर इस तरह से छोड़ भी देते कि चलो ठीक है नज़रअंदाज कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, तो भी होता है चलो भाई इतना कर दे, लेकिन इतना भी नहीं है, है कि जो इस्लाम से भागने की कोशिश करता है सबसे पहले तो उसी को मारो। तो देख लीजिए कितना शांति का मजा है। तो अगर बेटा भागता है तो बाप के ऊपर जिम्मेवारी है कि बाप को मार देगा, अगर बाप नहीं मारता है तो पूरे समाज के ऊपर जिम्मेवारी है कि अपने सामने जो है बाप से मरवाए, और अगर तब भी बाप नहीं मारता है तो सारा समाज मिल करके बाप और बेटे दोनों को मार दे। ये उसके कुरान में है, ये उनके हदीसों में है। सोच सकते हैं कितना खतरनाक है, कैसे फरमान है, कहाँ शांति है? वहां तो सिर्फ मार काट है, झूठ के आधार पर, अशांति के आधार पर, हिंसा के आधार पर खड़ा किया गया मजहब है। वहां करुणा नाम की कोई चीज नहीं है, अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं, झूठ की बुनियाद पर सब खड़ा है। तो जहाँ झूठ ही है तो वहाँ तो काम आ ही जाएगा, वहाँ क्रोध आ ही जाएगा। वहाँ तो बेटी का बलात्कार खुद बाप कर देता है, उसको भी इजाजत है, यदि बेटी भाग गई है तो उसका बलात्कार कर दे। तो इस तरह से अपनों के द्वारा ही क्रूरता करा देना, अपनों के द्वारा ही अत्याचार करवा देना, ये कहाँ की शांति है? तो यहाँ कोई शांति नहीं है, वहाँ इस्लाम में कोई शांति नहीं है। काफिरों के लिए यही संदेश है, मुसलमान बन जाओ और एक नए ढंग की अशांति को प्राप्त हो जाओ, या काफिर बने रहो और एक नए तरह की अशांति से रूबरू हो। तो नाम है शांति, काम सिर्फ अशांति का है, नाम बड़े दर्शन छोटे, यही है। तो वहाँ पर आप किसी प्रकार की शांति की कोई अपेक्षा न रखें, शांति का अर्थ भी वहाँ कोई नहीं जानता, न शांति की वहाँ कोई बात करेगा, सिर्फ मार काट की बात करना शुरू करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो कभी भी आप डिबेट में देख लीजिए, एक्स मुस्लिम का डिबेट अगर हो जाता है मुसलमानों से, मोमिनों से, तो आप देख लीजिए कितना चीखते चिल्लाते हैं, मारने तक की धमकी दे देते हैं जान से। तो यही उनको बताया गया, सिखाया गया है, उनकी तो यही शांति है।
तो इसमें इतना ही।